आ गई बहू, सब सामान ले लिया है ना? भूली तो नहीं कुछ? नहीं काका ससुर जी, सब कुछ ले आई हूँ मैं। अब तो कुशल गृहिणी बन गई हूँ ना मैं। कुशल गृहिणी, वाह! अरे इतनी आसानी से बन जाते हैं क्या कुशल गृहिणी? बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तब जाके मिलता है ये पद। इस परीक्षा को भी पार कर लेगी बोलता। ये देखिए काका ससुर जी, धागा, जरी गोटा, और ये नारियल, और ये कपड़ा, और ये रहा सिंदूरदानी। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। कुछ भूली तो नहीं ना? मेरी माँ कहती है मेरी याद करने की शक्ति बहुत अच्छी है। एक बार देख लूं या फिर सुन लूं, उसके बाद कुछ भी नहीं बोलती मैं। अब अपने मुंह में मिट्ठू बनना बंद करो। तो अपने मुंह में मिठाई बन जाऊं? अरे वो सब बाद में, बाद में। देखो ना, एक जरूरी चीज भूल गई तुम बहू। क्या भूल गई? जो पैसे लेके गई थी हमसे सामान लेने के लिए, उसमें से जो बाकी पैसे बचे वो हमें दिए क्या? नहीं ना, भूल गई ना? बाकी पैसे वापस करना। पैसे? कौन से पैसे? एक पैसा बाकी नहीं बचा है, सब खर्च हो गए। क्या? 2 रुपए दिए थे तुम्हें? 2 रुपए में इतना सा सामान आता है क्या? जरूर, चटोरी बहू ने बाजार में मिष्ठान उड़ाए होंगे। क्यों? नहीं काका ससुर जी, मैंने मिष्ठान नहीं खाए। वैसे भी मैं बाहर क्यों खाऊंगी, जब घर पर सब खाने को मिलता है। अब थोड़ी ना कोई रोक टोक है रसगुल्ला खाने में। सच बोल रही हो ना? सत्य। आप चाहे तो बारी बाबू से भी पूछ लीजिए। बारी? काका, बिहारी से क्यों पूछते हैं? बोंदता से पूछते हैं। ये चूनर कितने की थी? काका, 12 आने की होगी शायद। हाँ, उससे ज्यादा क्या होगा। ये गोटा जरी शायद 5 पैसों का होगा, 5-7 पैसे में। और बचा क्या? ये धागा, धागा 1 पैसे का। हाँ, सही बोल रहे हो तुम अनिरुद्ध, लूट लिया है दुकानदार ने इसे। अठन्नी के सामान के 2 रुपए ले लिए इससे। पर ये बिहारी को साथ में भेजा था ना, वो क्या कर रहा था गधा वहां पे? जब दुकान वाला ठग रहा था बहू को, तब तुम की आंखियों में काजल लगा रहे थे। काका, बिहारी क्या बोलेगा, बिहारी तो पान खा रहा है, वो भी कलकत्ता। पान खाने निकल गया होगा बोंदता को खरीदारी के लिए अकेला छोड़कर। क्यों बिहारी? मालकिन को जो जो सामान चाहिए दीजिए। ये धागा और ये 2 नारियल। बिहारी! अरे मालिक जी, मालकिन लीजिए। बिहारी, मालकिन जी 2 मिनट में हम आते मालिक। धीरे बोलो बिहारी, धीरे बोलो। अच्छा बिहारी, मेरे लिए काम करोगे ना? हाँ हाँ, बोलिए ना वरिष्ठ बाबू। मेरे लिए 10 पान ले आओ कलकत्ता। पान? अरे मालिक, आप पान तो छूते तक नहीं है। हाँ बिहारी, जितना कह रहा हूँ उतना कर दो ना, जाओ अभी। ये चुनर 4 आने की, जितना बनता है ले लीजिए।
ये पैसे पाई आना समझ में नहीं आता है मुझे। ये लीजिए मालिक, 10 कलकत्ता पान। दस के दस पान खा जाएंगे आप। खाओगे बिहारी? नहीं मालिक। कहा ना मैंने बिहारी। अब ऐसे ही एक एक करके सारे 10 के 10 पान तुम खा लेना, और खबरदार जो घर पे किसी के सामने मुंह खोला तो बिहारी। जरूरी था पान खाना, जरूरी था तुम्हारा? काका काका, बिहारी को माफ कर दीजिए, पर ये सोचिए कि आगे क्या करना। अरे करना क्या है, उस दुकानदार ने जमींदारों की बहू को ठगा है। ऐसा पाठ पढ़ाएंगे उसे कि सपने में भी हाथ जोड़ के खड़ा हुआ दिखाई देगा हमारे सामने। काका, दुकानदार को पाठ पढ़ाएं, इससे बेहतर ये नहीं होगा कि अपनी ही बहू को पाठ पढ़ाया जाए? मतलब दुकानदार को हिसाब किताब समझाएंगे, इससे बेहतर ये होगा ना कि अपनी ही बहू को हिसाब किताब समझाया जाए। बोंदिता, ये बताओ कि एक आने में कितने पैसे होते हैं? अच्छा चलो, ये तो पता ही होगा ना कि 1 रुपए में कितने आने होते हैं। खैर, बोंदिता को इतना जरूर पता होगा कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, ये तो पता है ना बोंदिता, बताओ। कौड़ी ये सब मुझे नहीं पता पति बाबू। और यही बात दुकानदार से भी कही थी मैंने, वो समझ गया और सारे पैसे ले लिए उसने। लो लिए नहीं बोंदिता, लूट लिया। काका, आपके घर की गृह लक्ष्मी पैसे लुटवा आई। काका, आपने घर की गृहिणी को कुशल समझकर बाजार भेजा था ना, पर क्या वो काम सही से कर पाई? नहीं, उल्टा नुकसान करवाई काका। क्यों? क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है बोंदिता। पैसे पाई आना कौड़ी का फर्क ही नहीं पता, उसे पता भी कैसे होगा काका, जब किताब ही नहीं पढ़ी तो हिसाब समझ पाएगी क्या गृहलक्ष्मी काका? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गृहिणी के लिए भी शिक्षा जरूरी है, बल्कि ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी होती है उस गृहिणी पर। काका, मान लीजिए एक दिन आपने बोंदिता को सब्जी लेने के लिए भेज दिया, पर उसे पाव, आधा, 1 किलो, 1 सेर का फर्क ही नहीं पता, तो क्या खरीद पाएगी सब्जी काका? या आपके प्रसाद की खीर काका, महाभोग के लिए अगर खीर बनानी हो तो क्या बोंदिता को पता होगा कितना किलो चावल जाएगा, कितना दूध जाएगा? उसे मोल ही नहीं पता होगा काका, क्या बन पाएगी आपके प्रसाद की खीर? घर की गृहिणी मानकर अगर हम बोंदिता को कह दें कि पर्दे बनवा दो, पर बोंदिता को ये ही ना पता हो कि मीटर क्या होता है, तो क्या घर के पर्दे भी बन पाएंगे काका? आप ही कहते हैं ना काका, पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक गृहिणी पर होती है, पूरा घर एक गृहिणी चलाती है, तो बताइए ना काका, गृहिणी का शिक्षित होना जरूरी नहीं है क्या?
लक्ष्मी पूजा सरस्वती पूजा दोनों को हम एक ही मान देते हैं ना, दोनों उत्सव दोनों पर्व एक ही तरह मनाए जाते हैं ना काका, तो फिर घर की बहू सिर्फ घर की लक्ष्मी ही क्यों कहलाए, घर की सरस्वती क्यों नहीं काका? इसीलिए आज घर की बहू को गृह लक्ष्मी होने के साथ साथ सरस्वती का भी आशीर्वाद मिलेगा। बोंदिता, तुम्हें पढ़ाने के लिए मास्टर जी आएंगे आज 3 बजे। और तुम्हें उनसे पढ़ना लिखना सीखना होगा। तुम जरूर करोगी पढ़ाई लिखाई बोंदिता। क्यों काका? यारे प्रवचन चल रहा है यहाँ, कुछ चल जा, पान थूक गया, जा। हाँ ठीक है बहू, पढ़ लिख लो, पर देवी का प्रकोप दूर करने से पहले नहीं। कान खोल कर सुन लो बहू, अपने हाथ से बने प्रसाद का भोग लगाना होगा मां के सामने। पहले संपूर्ण गृह लक्ष्मी बनना होगा तुम्हें, तभी आज्ञा देंगे हम तुम्हें ये सब पढ़ने लिखने के लिए। अब पढ़ाई भी करनी होगी और कुशल गृहिणी भी बनना होगा, दोनों कैसे करेगी बोंदिता? पता भी है तुम्हें क्या हो रहा? मना लिया है अनिरुद्ध ने त्रिलोचनदा को बोंदिता को पढ़ाने के लिए। मास्टर आ रहा है 3 बजे बोंदिता को पढ़ाने के लिए। बताने के लिए शुक्रिया, पर अभी मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, वो जो लाल कुएं के पास रहती है, घोष बाबू की बेटी। सहेली से मिलने जा रही हो तुम? सुदामनी, तुम्हें लगता है कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? हर दिन अनिरुद्ध अपनी जिद को लेकर एक कदम आगे बढ़े जा रहा है, और तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट छाई हुई है। समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ऐसा तो नहीं है कि तुमने हार मान ली है अपनी? ऐसे 10 दिनों में तुम्हें लगता है कि तुम शादी कर पाओगी? आप चिंता क्यों कर रहे हैं? जैसा अनिरुद्ध चाहता है वैसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। अनिरुद्ध को जीतना चाहती हूँ मैं, तो क्या मैं हार मान सकती हूँ भला? आप बस बोंदिता को संभालिए, अनिरुद्ध को मैं संभाल लूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप आराम से बैठकर अपनी इंग्लिश टी की चुस्कियां लीजिए बिनॉय अंकल, क्योंकि जल्द ही आपको मेरे धमाके की गूंज सुनाई देगी। अब अकेले प्रसाद कैसे बनाऊं मैं? परी दीदी होती तो अच्छे से बता देती मुझे कि प्रसाद कैसे बनाना है। बाहर सलेट पे चाक कोई भी घिसवा ले तुमसे, पर यहां रसोई घर में तो हम ही मास्टर हैं तुम्हारे। हम सिखाएंगे तुम्हें कि कुशल गृह लक्ष्मी कैसे बनना है। ठीक कैसे? ठीक कैसे नहीं, आप
खुद रसोई के बाहर बैठे रहेंगे तो कैसे सिखा पाएंगे आप मुझे काका ससुर जी? अंदर क्यों नहीं आते आप रसोई के? इतनी छोटी सी है बोंदता, पूरी रसोई थोड़ी ना घेर लेगी कि आपके लिए जगह ही ना बचे। हम कैसे आ सकते हैं अंदर? चलकर। बिहारी। ये जो खीसे निपोर रहे हो ना, 32 ही दिखा रहे हो। ज्यादा दिखाओगे तो 32 में से 16 ही बचेंगे बस। अरे हम इसलिए रसोई में नहीं आएंगे क्योंकि आदमियों का रसोई में आना शोभा देता है क्या? अरे ये सब रसोई चूल्हा चौका औरतों के लिए है। रसोई में आना आदमियों को शोभा नहीं देता? तो फिर ऐसा क्यों होता है कि सबसे पहले खाने की थाली घर के आदमियों को ही परोसी जाती है? खाना औरत बनाती है पर बहलाने वाला आदमी खाते हैं। मेहनत से स्वादिष्ट खाना औरत बनाती है पर उंगलियां चाट चाट कर पहले आदमी ही क्यों खाते हैं? औरतों को अपनी थाली में बचा हुआ खाना खाने को क्यों कहा जाता है? चुप चुप। इतने बेतुके सवाल इसके दिमाग में आते कहाँ से? पति बाबू कहते हैं कि उनकी किताब से सब कुछ जान सकते हैं। पता करें उनकी किताब में देखकर कि कैसे आते होंगे ये सवाल मेरे दिमाग में। खबरदार जो किताबों का नाम लिया तो। पहले रसोई घर का काम सीखो, उसके बाद किताबें बांचना। और हाँ, रसोई में आने से पहले दिमाग बाहर रख के आना कल से। बिहारी। मालिक। चलो अब शुरू होता है गृह लक्ष्मी बनने का पहला अध्याय। बिहारी। अब हम जिस मसाले का नाम लेंगे उसे उठाना है तुम्हें और दिखाना है। तेज पत्ता। बादाम खाने से दिमाग तेज होता है ये सुना था, पर कोई पत्ता भी तेज होता है क्या काका ससुर जी? ए, दिमाग तो तेज है तुम्हारा, तो लगाओ उसे, बताओ कौन सा है तेज पत्ता। पत्ता मतलब तो पेड़ का पत्ता ही होगा। देखूं तो कौन सा मसाला लग रहा है पत्ते की तरह? ये वाला। रे वाह बहू, शाबाश। मतलब तुम्हें पता है तेज पत्ता? सच कहूँ तो नहीं पता मुझे काका ससुर जी। आपने तेज पत्ता कहा तो मैंने दिमाग लगाया अपना। और जो मसाले में पत्ते जैसा दिखा वो बता दिया आपको। सच बोलना बड़ी हिम्मत की बात होती है ना बड़े मालिक। वाह बहुरानी जी वाह। अरे चुप। क्या क्या? वाह बहुरानी जी वाह वाह। ऐसे तीर तुक्के से काम चलेगा क्या रसोई घर में? नहीं ना, इसीलिए सिखा रहे हैं तुम्हें। ध्यान दो, बताओ लौंग कौन सी है? अरे क्या अब शाम तक ऐसे उंगली घुमाती रहोगी क्या? कैसे पता होगा? नहीं पता है ना तुम्हें? नहीं पता। ठीक है रहने दो लौंग। इलायची बताओ।
इलायची कहां पता होगी तुम्हें, गरीब मायके से आई हो। ये है इलायची, खुशबू से पहचान सकती हूँ इसे तो। इसका पौधा जो लगाया था मेरी माँ ने, बहुत सारी इलायची आती थी उसमें, पूरे घर में खुशबू ही खुशबू फैल जाती थी। पड़ोस वाले रोमू की माँ को भी बांटते थे हम इलायची। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम समझ गए कि इलायची का आविष्कार तुम्हारी माँ ने ही किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी लौंग, जायफल, जावित्री, सरसों दाना, ये सब कुछ पता है तुम्हें? बिना मसाला जाने बना सकता है कोई स्वादिष्ट रसोई? बिना खाने में स्वाद के जीवन में भी स्वाद है क्या? नहीं है ना? तो इसीलिए सारे मसालों को अच्छे से समझकर याद करना होगा तुम्हें, ठीक है? क्या कर रही थी तुम? अब कौन सा शातिर खेल चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या करना चाहती हो बताओ मुझे। बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं बहू के प्रति तुम्हारे बदले हुए स्वभाव को, कुछ तो तुम्हारे दिमाग में जरूर चल रहा है। अब विराज, बहू का भला चाहना गलत है क्या? नहीं, किसी का अगर अच्छे दिल से कुछ चाहो तो बिल्कुल गलत नहीं है। तुम पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है मुझे। मैंने देखा था तुमको बहू के कमरे में दबे पांव जाते हुए। क्या करने गई थी बहू के कमरे में तुम? कहीं फिर से सौरव और संपूर्ण बहू को अलग तो नहीं करना चाहती? और ये पीछे क्या छुपा रखा है बताओ मुझे। पीछे वही, रुको, मैं नहीं दिखा सकती। अगर नहीं बताओगी तो मैं सबको यहां बुलाऊंगी। अब विराज, मैंने माना कि मैं चाहती थी कि सौरभ संपूर्ण बहू से अलग हो जाए, क्योंकि दहेज नहीं मिला ना विराज। किंतु शोधती बोलची विराज, जिस दिन से मुझे पता चला है कि हमारी बहू पेट से है, मेरा तो दिल पिघल गया। यूं मान लो कि मैं ना एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। और वैसे भी अब जब हमारी बहू पेट से है, उसे मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी इन दोनों को अलग कर सकता है क्या? मैं उस दिन गई थी बहू के कमरे में, लेकिन ये बच्चे के लिए टोपी सिलाई करने के लिए मैं सुई धागा लेने गई थी। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। आज तक तुमने जो भी किया है ना सुरमणि, उसकी वजह से चाहकर भी मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे सौरव का बच्चा जन्म लेने वाला है और मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। इसलिए तुमसे विनती करती हूँ कि गलती से भी मुझसे ये खुशी छीनने की कोशिश मत करना, वरना ये मैं सह नहीं पाऊंगी। विराज, तुम्हारी खुशी मैं नहीं, तुम्हारी लाडली बहू ही तुम्हारा दिल तोड़ देगी। जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारी बहू तो पेट से है ही नहीं। दुगा दुगा। तो कुछ समझा तुमने? सब समझ आ गया है मुझे। मैं कितनी पागल थी, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। चलो, किताब के चित्रों से ही सही समझ तो आया संपूर्णा को कि वो पेट से नहीं है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मना किया था ना मुझको छूने से। लेकिन क्यों? अब तो तुम्हें समझ आ गया है ना? ऐसे वक्त पे औरतों को बहुत ज्यादा नींद आती है, ये समझ आ गया है मुझे। पर इससे आपका
छूने से क्या मतलब? नींद आ रही है मतलब? मतलब तुमने वो किताब नहीं पढ़ी? किताब तो देखने ही वाली थी पर आंख लग गई। आजकल मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। कितनी बार तुम्हें समझाऊं संपूर्ण? अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो नींद नहीं आ रही है ना तुम्हें, तो जाओ और अभी देखो वो किताब। कहाँ गई वो किताब? मैंने तो यही रखी थी। अब क्या कहूंगी? क्या हुआ? किताब तो मैंने वही रखी थी पर अभी मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही है? वहां नहीं है तो कहाँ है किताब? तुम्हें पता भी है वो किताब अगर किसी और को मिल गई तो तूफान आ जाएगा घर में। हमें ढूंढनी होगी वो किताब। पर आपने तो कहा था कि उसमें अच्छे चित्र हैं, तो किसी ने देख भी लिया तो क्या हो जाएगा? संपूर्णा, उस किताब में जो चित्र थे वो तुम्हारे देखने के लिए थे, ताकि तुम्हें समझा सकूं। क्या समझना है मुझे? नहीं 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 सुनना है मुझे। आप मुझे ऐसी किताब दिखाने वाले थे, शर्म नहीं आएगी क्या मुझे? देखो अपनी बातों से ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप चलो और किताब ढूंढने में मेरी मदद करो। यारी, ये देखो ये है तेज पत्ता, खाने में महक लाता है। बोलो तेज पत्ता। ये देखो ये है अलसी। अलसी? वो तुम हो। ये है अलसी। अलसी बोलो बोलो। अलसी 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 अलसी। रहने दो रहने दो रहने दो। बिहारी दिखाओ, जावित्री दिखाओ। देखो ये है जावित्री। च, 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 जलेबी? अरे जलेबी, रसगुल्ला, इन सब के अलावा और कुछ समझ में आता है तुम्हें? हमने कहा जावित्री। अरे कहाँ जा रही हो? अभी आपने तो कहा जा। अरे वो वाला जा नहीं, जावित्री वाला जा। बड़ा भ्रमित करने वाला है ये तो काका ससुर जी। मैं तो कहती हूँ उसका नाम जावित्री नहीं आवित्री होना चाहिए। स्वाद आने के लिए डालते हैं ना इसे, जाने के लिए थोड़ी ना, इसीलिए आवित्री। इस हिसाब से तो तुम्हारा नाम बोंदिता नहीं बोंद मुंह होना चाहिए ना। जैसे जावित्री तुम्हें उल्टा लगा, वैसे ही तुम्हारे तर्कों की रेलगाड़ी से विपरीत बोंद मुंह। जाओ और देखो काली मिर्च, देखो काली मिर्च। काली मिर्च? क्योंकि काली दिखती है इसीलिए हमारे गांव में भी झील मिलती, पर रंग काला था उसका तो सब उसे काली का कहकर चिढ़ाते थे। काले रंग की वजह से विवाह भी नहीं हो रहा था उसका। कितना बुरा लगता था झिलमिल को। अब ये तो सही नहीं है ना काका ससुर जी? माँ कहती है किसी को भी रंग देखकर नहीं गुण देखकर पहचान मिलनी चाहिए। ठीक कहती थी ना माँ? तुम्हारी माँ कभी कुछ गलत कह सकती है? कहाँ की कहानी कहाँ लेके चली जाती हो? अरे हम क्या पूछ रहे थे वही भूल गए। क्या क्या? हाँ हाँ, काली मिर्च काली मिर्च काली मिर्च सुंघाओ।
शुभ काम के पहले कदम पर ही छींक दिया, कुशल गृहिणी बनने के पहले कदम पर ही घोर अपशकुन। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.